अब तो व्हाट्सएप भी हैकरों से बचा नहीं है, इसके जरिए भी लोगों के साथ ठगी की जा रही है। तो कैसे होती है व्हाट्सएप के जरिए ठगी और इससे बचने के आपके लिए क्या है उपाय, समझिए इस रिपोर्ट से। साइबर क्राइम की बढ़ती समस्या के बीच अब हैकर्स की नजर आपके व्हाट्सएप पर है। इस तरह के फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल्स आपको आप ही के व्हाट्सएप अकाउंट से लॉग आउट करके उसका पूरा कंट्रोल अपने फोन पर ले लेते हैं और इसके बाद शुरू होता है इन हैकर्स के अपराध का खेल। उनको मिलता है तभी उनके फोन के ऊपर, साइबर क्रिमिनल्स के फोन के ऊपर व्हाट्सएप चालू हो सकता है। किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो ये बात बन सकती है कि व्हाट्सएप दूसरे के व्हाट्सएप दूसरा कोई चला सकता है। व्हाट्सएप हैकिंग के चक्कर में मुंबई की एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर समेत कई दिग्गज फंस चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये हैकिंग कैसे होती है। इसमें हैकर आपको किसी ऑफर का लालच देकर कोई ऐसा नंबर डायल करने को कहेगा जो कि 67 या 405 से शुरू होता है। ये दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वो सर्विस रिक्वेस्ट वाले नंबर होते हैं जिससे कि आपका फोन कॉल फॉरवर्डिंग मोड में चला जाता है। आपका फोन कॉल फॉरवर्डिंग में डालकर हैकर व्हाट्सएप समेत कई ऐप्स का लॉगिन ओटीपी अपने फोन पर लेता है। जो फोन नंबर है आपका, जो सिम का नंबर है, वो वाला फोन इन लोगों के पास उसमें है और इसी का व्हाट्सएप नंबर ये फ्रॉडस्टर के पास होता है और फिर इसके द्वारा ये फ्रॉड करते हैं या इसके द्वारा सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड करते हैं या इसके द्वारा कुछ किसी को अभद्र भेजते हैं या फिर कोई भी क्राइम कर लेते हैं। जानकारों की माने तो हैकिंग अटैक से बचने के लिए लालच में आकर कोई भी ऐसा नंबर डायल ना करें जिसकी शुरुआत **67 या **405 या किसी स्पेशल कैरेक्टर से होती है। सभी एप्स पर टू फैक्टर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को चुनें और किसी के साथ भी कभी भी अपना पासवर्ड, पिन या ओटीपी शेयर मत करें। लालच बुरी बला है, इसीलिए किसी ऐसे अननोन नंबर को डायल मत करें जो कि स्पेशल कैरेक्टर से शुरू होता है। किसी फिशी लिंक को क्लिक मत करें और भूल कर भी अपना ओटीपी या पिन कभी मत शेयर करें, क्योंकि आजकल स्कैमस्टर्स ऐसे तरीके लेकर आ रहे हैं जो सुनने या देखने में बेहद विश्वसनीय लगते हैं लेकिन उसका मकसद सिर्फ आपका खाता खाली करना होता है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।